कॉन्सेप्ट का हम सबको बहुत पसंद आती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नया देखने को मिलता है, ऐसा नया देखने को मिलता है जो सबको अट्रैक्ट करता है और सबको उम्मीद भी जगाता है, और इसी उम्मीद पे हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया कायम है। बस इसी पे बात करते हैं आज सभी लोगों से जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं यूट्यूब, उनकी नज़र में कौन सी कॉन्सेप्ट का ज़्यादा बेहतर लगी उनको और उनके भारत में आने की संभावना सचमुच में लग रही है। ऐसे बस अगर सिंपल वर्ड में कह सकें तो आपको क्या पसंद आया विवेक? मेरे ख्याल में स्कॉडा का विजन इन एक ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट होगा। मेरे ख्याल में फॉक्सवैगन ग्रुप या फिर स्कॉडा ग्रुप का विजन इन एक बेहतर प्रोडक्ट होगा। मुझे उसके जो पीछे के टेल लैम्प्स हैं वो बहुत अपीलिंग नज़र आई है। ऐसे में कंसेप्ट से वो जब प्रोडक्शन ऑलमोस्ट वो 50% प्रोडक्शन रेडी ही कार है, कुछ इंजन ऑप्शंस आने, इंटीरियर्स सॉर्ट आउट करने हैं उसके, और एक्सटीरियर्स में दो चार एलिमेंट इधर से उधर करने हैं, दैट्स इट। और मेरे ख्याल में वो स्कॉडा या फॉक्सवैगन ग्रुप के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिव सेगमेंट में या इस कॉम्पिटिशन में आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे एक स्टेप रिलायबल होते हैं, मुझे मेरा ये ऐसा मानना है। हालांकि उनके आफ्टर सेल सर्विसेज उनको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए या फिर प्रोडक्ट्स की ब्रीफिंग के ऊपर थोड़ी उनको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर मेरे ख्याल में विजन इन एक बेहतर प्रोडक्ट साबित होता हुआ मेरी नज़रों में तो नज़र आता है। 1.0 या 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ में ये तो तय है उनमें से कोई एक इंजन ऑप्शन आएगा, लेकिन विजन इन एक बेहतरीन प्रोडक्ट है मेरे ख्याल में। अमित सर थैंक यू, आपने तो पूरा रिव्यू दे दिया, मैं तो एक लाइन का आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। कोई बात नहीं, एज यूजुअल आदत है छूटती नहीं है। ऋषभ आपका क्या पॉइंट है? आदत छूटेगी भी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कम से कम शब्दों में करूं। मेरा सीधा सीधा जवाब होगा द किया सोनेट। प्रोडक्शन रेडी से अगर जो सबसे क्लोजेस्ट मॉडल अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो मुझे तो किया सोनेट ही लगी है। एंड डेफिनेटली इस तरह के साइज, इस तरह के प्राइस रेंज में आने की किया से हम लोग काफ़ी एक्सपेक्टेशन से लगा रहे हैं, तो किया सोनेट ही होगी जो अगस्त के आसपास लॉन्च हो जाएगी कम्प्लीटली। विकी आप क्या सोच रहे हो, आपकी नज़र में कौन सी ऐसी कॉन्सेप्ट कार हो सकती है जो आगे आए? सर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं फोकस करूंगा टाटा की HBX के ऊपर। जहां तक देखा जाए सर, देखिए आपने भी गाड़ी देखी होगी, मैंने भी गाड़ी देखी है, जहां तक मुझे लगा तो वो गाड़ी 80% to 90% मुझे लगी कि प्रोडक्शन रेडी है। ये कॉन्सेप्ट था बट मुझे गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी, और ये एक गाड़ी जो भी गाड़ी आने वाली है इसका कुछ भी नाम हो सकता है सर, अपने एक नया सेगमेंट सर ये क्रिएट कर रही है। अगर देखा जाए तो उसका बॉडी प्रोपोर्शनेट आप देखिए, ठीक है सर, उसका जो ऑल ओवर स्टेंस देखिए गाड़ी का, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी को दबा दी गई हो, पिचका दी गई हो, या ऐसे मतलब कि तोड़ मरोड़ के बना गई हो। ये काफ़ी काफ़ी मैच्योर, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट लगा सर, तो मेरी नज़रों में ये वाली की कार सर। हेलो, जब पूछना ही है तो फिर हर्षित क्यों मिला जाए। हर्षित आपकी नज़र में कौन सी ऐसी कार है जो इस कॉन्सेप्ट में अच्छी रहेगी? पहले तो धन्यवाद हम सभी को इतना बढ़िया मौका देने के लिए, हमारा अपना सुझाव आपसे आपके दर्शकों से देने के लिए। मेरी नज़रों में किया सोनेट एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि अभी कॉन्सेप्ट फेज में है। किया मोटर्स की काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है अपने कॉन्सेप्ट व्हीकल्स को लेकर, जैसा भी वो दिखाती है 90% के आसपास वो आपको दे भी देती है। आपने देखी थी किया सेल्टॉस को SP2i दिखाई थी, सेल्टॉस लगभग वही आपको मिली, वही आपके सामने सोनेट काफ़ी शानदार दिखाई गई है। फ्रंट के लुक को, इंटीरियर्स हल्के से देख पाए, रियर का लुक, साइड का लुक थोड़ा और काम करना बाकी है। ओवरऑल बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर आप मिड साइज SUV में जाते हैं तो टाइगन जो VW ग्रुप ने दिखाई है वो भी बहुत अच्छा है अभी, लेकिन कॉन्सेप्ट फेस है टी क्रॉस का, उसको भी अगर आप कंसिडर करते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। आपकी तो हमेशा निगाह कॉन्सेप्ट कार पर ही रही, लगभग दुनिया की हर तरह के कॉन्सेप्ट आप देखते रहे, क्या लगता है इस बार आने वाले ऑटो एक्सपो में वो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट कार थी जो एक नज़र में ऐसा लगा कुछ नया करके जाएगी इंडियन मार्केट के लिए? जी सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आपकी चैनल में बुलाने के लिए, और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपसे बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट मॉडल की, तो यस मैं कॉन्सेप्ट्स देखता रहता हूँ। मुझे पर्सनली अगर मैं कहूँ कि इस ऑटो एक्सपो में जो कॉन्सेप्ट मॉडल मुझे जो सबसे अच्छा लगा है वो कहीं ना कहीं रेनो ट्विजी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है सर, जो रीज़न मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट में कितने लोग ऐसे होंगे, इंडियन कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो कितने लोग ऐसे होंगे जो डे टू डे यूजेज में 5 लोग को एक साथ लेके चलते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, अगर एक बंदे को जाना है उनको 5 सीट की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अभी मान लीजिए कि उनको सेफ्टी में और दूसरे फैक्टर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है जो कि उनको एक कार में मिल सकता है,
उनके लिए इससे बेटर ऑप्शन और क्या हो सकता है सिंगल ट्रैवल के लिए? और एटलीस्ट ऐसे भी कुछ, जैसे हम बात करें एमजी की E200 की बात करें, तो ये भी एक सेम ऑप्शन कह सकते हैं अगर ट्विन सीट के कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। मुझे कॉम्पैक्ट कार्स ने इस बार बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। सो यस, दैट वाज रेनो ट्वीजी फॉर मी। और आगे देखते हैं क्या होता है। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट कार सबकी अलग अलग चॉइस होगी, क्योंकि सबको अलग अलग तरह की उम्मीदें हैं अपने भविष्य से। बस ऐसे ही उम्मीद को लेकर मैं आयुष से पूछना चाहता हूं, आयुष आपको क्या लगता है कौन सी कॉन्सेप्ट कार ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगी? सो बेसिकली मुझे जो है टाटा की जो कॉन्सेप्ट कार्स हैं वो काफ़ी अच्छी लगी, एंड HBX उनमें से एक है। टाटा की जो सियारा उन्होंने वहाँ पर शोकेस करी और अनवील करी अपने सामने, वो काफ़ी अच्छी लगती है। इन दोनों ही कार को मेरा इस टाइप से परफेक्टली देखने का कि ये दोनों गाड़ियाँ कहीं ना कहीं एक कॉम्पैक्ट SUV होने के साथ में थोड़ी बहुत अच्छी खासी ऑफ रोडिंग जो है वो कर पाएगी। तो इन दोनों गाड़ियों को देख के एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट रगिड लुक जो है वो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कॉम्पैक्ट साइज़ में कोई SUV लेना चाहता है और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करना चाहता है और थोड़ा सा रगिड लुक अगर डिमांड करता है, तो ये दोनों गाड़ियां जो है बेस्ट हो सकती है। बिकॉज टाटा अपनी कॉम्पैक्ट कॉन्सेप्ट जो कारें होती है वैसी ही जो इंडियन मार्केट में प्रोडक्शन वर्जन में भी लेके आ जाता है। यह सच है कि कॉन्सेप्ट कार को लेकर सबके अपने विचार हैं। बस ऐसे ही मैं विचार जानना चाहता हूँ तीर्थ के, कि तीर्थ को क्या लगता है कि उनके लिए कौन सी कॉन्सेप्ट कार आगे भविष्य में ज़्यादा बेहतर होगी इंडियन कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर हमें इनवाइट करने के लिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा टाटा से ही, एंड मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ टाटा की अल्ट्रॉज EV को, क्योंकि EV सेगमेंट अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, एंड उसमें प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अब तक हमने कोई बड़ी EV देखी नहीं है। एंड जो यहाँ पे हमें जो स्पेक दिखाया गया है, इससे पहले जिनेवा मोटर शो में हमने इसको देखा था, एंड उसके बाद यहाँ पे, और ये ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 90-95% प्रोडक्शन रेडी स्पेक है, और टाटा के हिसाब से हम इसे करीब दिवाली के आसपास या उसके बाद हमारे शोरूम में देख सकते हैं। सो इट विल बी अल्ट्रॉज EV फॉर मी। थैंक यू सर। चलिए, इतना सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे और सोचा मेरा ही चैनल है तो क्यों ना अपने भी विचार रख दूँ। मेरी नज़र में टाटा से सबको उम्मीद ज़्यादा है, इसलिए उसका ज़्यादा नाम लिया गया। उससे कॉन्सेप्ट थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगे और जब प्रोडक्शन रेडी हुए तब भी अच्छे लगने लगे, तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद आ रहा है। मेरी नगाह में इस समय फ्यूचरो ई को छोड़ देना, इग्नोर कर देना गलत रहेगा, क्योंकि जब भी मारुति सुजुकी ने कोई भी अपना कॉन्सेप्ट दिखाया है, सुजुकी मोटर्स ने, तो उसको वो लेके आए हैं। पिछली बार उन्होंने दिखाई थी अपनी एस, और जो एस्प्रेसो बन गई, और काफ़ी लोगों को पसंद भी आई है, सेल्स के फिगर्स भी अच्छे आए हैं। तो हम यह उम्मीद रखते हैं कि जब यह फ्यूचर ई आएगी, सो कॉल्ड, किसी का कहना है कि कुछ कुछ बलेनों की नज़र लगेगी इसे, किसी का कहना है इस पर स्विफ्ट की नज़र लगेगी, किसी का कुछ भी कहना हो, मेरा ये मानना है प्रोडक्ट को आना चाहिए और हम इंडियंस के लिए परफेक्ट कंडीशन में आना चाहिए। और शायद मारुति हम इंडियंस को ज़्यादा समझने लगी है, उनकी ज़्यादा डिमांड पूरी कर पाती है, और यही तो वजह है जिसकी वजह से शायद वो ज़्यादा बिक पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को रेपुटेशन उसकी पसंद आती है, और जब ऐसी रेपुटेशन के साथ आएगी तो फ्यूचर ई भी ज़्यादा बेहतर रहेगी। जब तक मारुति सुजुकी जैसी कंपनी इलेक्ट्रिक कार नहीं लाएगी, तब तक इंडियंस को इलेक्ट्रिक कार्स पर भरोसा करने में वक्त लगेगा। ये तो था मेरा विजन। हाँ, इतने सारे लोगों ने एक बार हिम्मत करके मेरे चैनल पर आने की कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब कॉन्फिडेंस से भरपूर है, सबके चैनल आप देखोगे आपको लगेगा कि नहीं, इन्फॉर्मेशन भरपूर मौजूद है इनके चैनलों पर। तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक जोड़ने की कोशिश करूँगा, नहीं तो आप नाम से सर्च करोगे तो सर्च की गुडविल भी थोड़ा बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ सर्च करना, ये बहुत फ़ायदे का सौदा रहता है सबके चैनल की रैंकिंग के लिए। जो सबके नाम से उन्हें सर्च कीजिए और यूट्यूब पर सबके वीडियो देखिए, आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे। बस यही था आज के वीडियो में, देखते रहिए Ask Cargo। भाई साहब कहाँ से आते हैं ये लोग? एक, दो, 400, 1000, 10000, 12000। भाई साहब ये तो एक स्टॉल का हाल है। सोचो अगर ये पूरे ऑटो एक्सपो में भीड़ है तो कितने लाख लोग आ जाए होंगे। So
someone requests you over